नमस्कार दोस्तों, मेरा जयपुर का यात्रा आरंभ हो चुका है और मैं अब जयपुर निकलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, जो कि रेडी हो चुका है, निकलने के लिए तैयार हो चुका हूँ घर से। और स्टेशन पर पहुँच चुका आप लोग देख रहे हैं और हमारे साथ पप्पू बाबा जी जाने वाले हैं। ट्रेन खुल चुकी है लॉकडाउन से, हम लोग कैबिन में बैठे हुए हैं। ट्रेन का घटिया खाना, सत्याग्रह ट्रेन का, कभी भी आप लोग ऑर्डर मत कीजिएगा। इसको देख लीजिए, इस मोटर को देखिए, इस दाल को देखिए, पानी भी फैल कर जा रहा है इस दाल में। एक रुपये वाला अचार दिया है, आलू का तो कलर से ही पता चल रहा है, और ये चावल देख लीजिए, और ये चपाती दिया है, क्या चपाती है। सत्याग्रह एक साथ नागपुर स्टेशन के बाहर मैं उतरा हुआ हूँ कुछ खाने पीने के सामान को लेने के लिए। देखिए आप लोग बहुत से स्टेशन पे कैसे लोग हैं, हमारी ट्रेन पाने लगी हुई है। यहाँ स्टेशन पे उतर चुका हूँ, टर्मिनल से होते हुए नीचे से आनंद विहार से बाहर निकलने के लिए टर्मिनल पे अब मैं आ गया हूँ। बाबा जी मेट्रो स्टेशन के तरफ आनंद विहार मेट्रो स्टेशन जयपुर के लिए बस किसी कारणवश हम कश्मीरी गेट नहीं जा पाए, नहीं तो वहाँ से लग जाए बस से जाते हैं। बस स्टैंड के पास में पहुँच गया और हमारी जयपुर की यात्रा समाप्त हुई। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जयपुर में कहाँ कहाँ घूमने गया। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, जयपुर में आ चुका हूँ कई बार। कलरी अंत में मैं रुका हुआ तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इसी होटल में हम रुके हुए कटाई में काम करते फूल में ये कल रात में हम लोग यहाँ स्टे किए थे। रूम नंबर वो सारी हमारा रूम है, देख लीजिए आप। बाबा जी जी सोए थे। इसी के साथ यात्रा समाप्त हुई। अब मैं जयपुर में जाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। आप सभी का